श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगङ्गादेव्यै नमः। श्रीमा सरस्वत्यै नमः। श्रीमा कामाख्यादेव्यै नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवि जगन्मातः योनिमुद्रे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माई, आप सभी माँ कामाख्या देवी के उपासकों के लिए एवं माँ कामाख्या देवी के भक्तजनों के लिए और जितने भी भगवती माँ कामाख्या के उपासक हैं, अर्थात काली के उपासक हैं, देवी के उपासक हैं, कामाख्या से संबंधित जिनकी उपासना है, उन सभी उपासकों के लिए बड़े ही मनोहर भाव से विद्वतापूर्ण शास्त्र संवत शास्त्र विधि के अनुसार माँ कामाख्या देवी का महात्म्य, माँ कामाख्या देवी की उपासना विधि, माँ कामाख्या देवी की पूजा पद्धति आप सबों के बीच तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको पुनः बता दूं, मैं एक वर्षों से माँ भगवती कामाख्या से संबंधित सभी ग्रंथ जैसे मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, देवी कल्याण अंक, कालिका पुराण एवं श्यामा रहस्य काल कल्प तरु, नारद पंचरत्न, नारद संहिता, ऐसे जो प्रमुख ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों का हमने अध्ययन किया। जहाँ से जो कुछ मिला हमने उसका एक संकलन किया और उस संकलन के बाद हम आपके बीच में पूरे विस्तार से
माँ भगवती कामाख्या की उपासना विधि रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है ये माँ की कृपा से इतिहास में पहली बार ऐसा है जो कि माँ की उपासना क्रम सभी साधकों के बीच, सभी भक्तजनों के बीच, सभी ज्ञानियों के बीच और सभी सनातन धर्मावलंबी जनों के बीच पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और पहुंचाया जा रहा है। कल आपने चैप्टर चौथा श्रवण किया, आज हम पांचवें चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। आइए, श्रुते सकलित सारम देवकंठो गहारम सकल कलुषहारी श्रीधरानंदकारी सुनय सुभग गोभिर भ्राजये दस्युभिः तदिह शिव समस्तं विघ्नहंत्रिंगितार्थम्। यह समस्त श्रुतियों का सार है। यह देवताओं के कंठ में स्थित अद्वितीय हार के समान है। निखिल पापहारी तथा पृथ्वी पर आनंददायी है। यह मनुष्य को सुनय सुंदर नीति शुभ यश तथा गो प्रदान करता है तथा समस्त अकल्याण तथा विघ्नों का ध्वंस कर देता है। कि नयन करभकारी ध्यानी नाम चोपकारी प्रणयी सुनय संस्थम देव सत्यानिकस्थम परम पद विशीर्ण सर्वदौर्भाग्य जीर्ण श्रेणु शिव पद रूपम कामदेव्या स्वरूपम। जो ध्यानी लोगों के लिए दंडपाणी होकर यम भय का निवारण करता है, जो प्रणयकारी सुनय संस्थित देवलोक मर्त्यलोक तथा आकाश पर्यंत व्याप्त है, जो परम पद का वितरण करता है, जो दुर्भाग्य को जीर्ण करता है तथा शिव पद रूप है। कामाख्या देवी के उस गुह्य मंत्र को सुनो कि श्रवण गगन मात्रा चार्दितम यस्य नाम प्रभवति बहुभूत्यै नीति मार्गै कधाम सुरगण गणनायाम कुंडलीयस्य शक्तिः तदीय परम रूपम चिंतनीयम हतासै। उनका नाम कर्ण मध्यस्थ गगन मात्रा से संगत है। वह नीति मार्ग का एकमात्र आश्रय तथा अनेक ऐश्वर्य के प्रदान करने में समर्थ हैं, जिनकी शक्ति देवताओं की गणना हेतु लिए भी कुंडली स्वरूप है। हताश व्यक्ति के लिए वही भगवती का मंत्र चिंतनीय है। कि रवि शशियुत कर्ण कुंकुमा पीत वर्ण मणिकनक विचित्रा लोल कर्णा त्रिनेत्रा अवयवरद हस्ता साक्ष सूत्र प्रशस्ता प्रणत सुर नरेशा सिद्ध कामेश्वरीशा अरुण कमल संस्था रक्त पद्मासनस्था नवतरुण शरीरा मुक्त केसी सुहारा सवरिधि पृथु तुंगस तन्य युग्मा मनोज्ञा शिशुरवि समवस्त्रा सर्व कामेश्वरीशा। जिनके कान सूर्य तथा चंद्र के संयुक्त वर्ण रक्त वर्ण तथा पीत है, मणि तथा स्वर्ण निर्मित विचित्र भूषण कर्ण में जुड़ रहे हैं तथा जिनके तीन नेत्र हैं, जिनके हाथ वर तथा अभय दान में निरत हैं, वे अक्ष सूत्र धारणी प्रणत देवताओं तथा नागरिकों की ईश्वरी हैं, वे सिद्ध कामेश्वरी हैं। जो अरुण कमल पर पद्मासनासीन है, जिनका शरीर नवयौवन से सुशोभित है, जो मुक्त केसी शोभन हार धारणी
तथा सबके हृदय पर अधिष्ठिता है। स्थूल तथा उन्नत वक्षस्थल से शोभी सुशोभित हैं। उनका मुख बाल सूर्य के समान उज्ज्वल है। वे सर्व कामेश्वरी मेरी माँ कामाख्या देवी हैं। विपुल विभव दात्री स्मरेर वक्त्रावशुकेशी ललित नखर दंता सामी चंद्रावनम्रा। विपुल विभव दात्री स्मरेर वक्त्रासुकेशी ललित नखर दंता सामी चंद्रावनम्रा। मनसृज मनसृज दृषधिष्ठा योनि मुद्रा लसंती पवन गमन सत्ता संस्रुत स्थान भागा। ये कामेश्वरी देवी विपुल विभव प्रदा हैं। ये सुकेशी ललित नाखून तथा दांतों वाली अर्धचंद्र से अलंकृता हैं। काम प्रस्तर पर अवस्थिता योनि मुद्रा द्वारा उल्लासनी है। पवन के समान आवागमन में समर्थ हैं तथा प्रसिद्ध स्थान भागिनी है। किचिंत्या चैवं विद्युत्यग्नि प्रकाशा धर्मार्थाद्यं साधकैर्वांछितार्थै कल्प्यन्तत्रेण्यस्तदं सम्यगर्धं वेतालत्वं भैरवसुप्रतिष्ठम् कल्प्यन्तत्रेण्यस्तदं सम्यगर्धं वेतालत्वं भैरवं श्रीप्रतिष्ठम्। इन विद्युत तथा अग्नि के समान प्रकाशशालिनी देवी का प्रार्थी साधक कर्म अर्थ प्रवृत्ति के लिए चिंतन करें। वे वेताल तथा भैरव अवशीघ्र प्रतिष्ठाकारी कल्प तथा तंत्र को पृथकतः सुने। तस्मिन्नर्धं मंडलं यद्धि पश्चात् कार्यं चैतच्चन्दने पुष्पयुक्ते पर्यायो यो लेखने पूर्वमुक्तो देवी तंत्रे सोऽत्र पूर्वं विधेयः। पहले एक मंडल बनाकर उसे पुष्पयुक्त चंदन से अंकित करें। पहले देवी तंत्र में मंडल लेखन का जो क्रम वर्णित है यहाँ पहले उसी क्रम से अनुष्ठान करना चाहिए। आइए आज पांचवें चैप्टर में भगवती माँ कामाख्या का महात्म्य सूक्ष्म रूपेण वर्णन आपके सामने वर्णित किया गया। अब हम माँ भगवती कामाख्या के पूजा क्रम प्रकरण पूजा प्रकरण त्रिपुरा तंत्र के माध्यम से माँ भगवती कामाख्या के पूजन क्रम में हम प्रवेश करते हैं। मेरा अभिप्राय है, मेरी इच्छा भी है कि हम पूजा क्रम को विधिवत श्रवण करने का लाभ उठाएं, ध्यान से इस पूजा क्रम को सुने। मैं शास्त्रवत पूजन क्रम को आपके बीच में रखने का यथासंभव यथाशक्ति प्रयास कर रहा हूँ करूँगा। माँ भगवती कामाख्या देवी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। माँ भगवती इन चारों चीज़ों को साधकों के लिए सुलभ कर देती हैं। जो भी भक्तजन इस पूजन पद्धति को सुनेगा करेगा अपने जीवन में उतारेगा निसंदेह उस साधक का जीवन धन्य तो होगा ही, सौभाग्यशाली तो होगा ही, अंत में गति भी मिलेगी। लेकिन जो मध्य का काल है उसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों चीज की प्राप्ति भी होगी। आइए माँ के सभी भक्तजन, क्योंकि हमारे परिवार है सब,
मैं माँ भगवती काली का एक छोटा सा उपासक हूँ। उसी कारण माँ की यह प्रेरणा मेरे अंतःकरण में आई और मैं इस पद्धति को लेकर के, इस परंपरा को लेकर के, इस क्रम को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होने का प्रयास किया। हम पांचवें चैप्टर को यही विराम देते हैं और पूजा प्रकरण में हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं और माँ भगवती से अनुमति चाहते हैं, भगवान गणेश से अनुमति चाहते हैं, अपने सद्गुरुदेव भगवान से अनुमति चाहते हैं, भैरव से अनुमति चाहते हैं, सरस्वती मैया से अनुमति चाहते हैं और माँ कामाख्या देवी से अनुमति चाहते हैं, माँ गंगा से अनुमति चाहते हैं कि मैं इस पूजन प्रकरण में प्रवेश करके सभी भक्तजनों के लिए, सभी साधकों के लिए एक सुलभतापूर्ण हम पूजन पद्धति सब भक्तजनों के बीच में रख सकें। जय माई।